इंडक्शन पे मैगी बन रहा है हमारा, और यहाँ पे ये बैठे श्रेय और एक नमूना बैठा हुआ है, आईफोन चला रहा है, शेजवान चटनी दिखाते हुए। ब्रांड प्रमोशन नहीं करना तो एक नए दिन की शुरुआत हो चुकी है। तो हे गाइस, वेलकम बैक टू माय न्यू व्लॉग। और अभी बज रहे हैं 3 और मैं बैठ के अपना पढ़ रहा था, बीच में कॉफ़ी भी हो चुकी है हमारी, और कॉफ़ी कह रहा हूँ चाय हो चुकी है, मतलब जगा हुआ हूँ ना, मैथ्स का एग्ज़ाम है तो तैयारी कर रहा हूँ, तो जगा हुआ था तो चाय पिया, फिर कुछ खाना खाया, तो सब खा के काम चला। वो अभी तो 3 बजे हैं, अभी बाकी 2-3 घंटे और पढ़ूंगा और इसके बाद फिर चैन से सोऊंगा, अगर अच्छे नंबर आ जाएंगे तो सही रहेगा, बाकी यहाँ पे हमारा चल ही रहा है। तो अगर नींद को भगाना है तो उसके लिए करना क्या पड़ता है, ब्रश, ये चीज़ जरूरी है। तो फ्रेश हो चुका हूँ, ब्रश व्रश कर लिया है और अब बारी है चाय पीने की, क्योंकि चाय से तो अच्छी खासी नींद जो होती है वो उड़ जाती है। और टाइम जो हो रहा है वो 3:30 होने वाले हैं, इसीलिए धीरे बोल रहा हूँ क्योंकि सब सो रहे हैं और मैं जगा हुआ हूँ। तो चलो चाय बनाते हैं। बाकी अभी तो यहाँ पे मैं चाय बनाने का सोचा था, बाहर ऐसा मून जो है, चंदा मामा है, वो एकदम फुल लाइट ग्लो यहाँ कर रहे, दिखाता हूँ, ये देखो ये हमारे चंदा मामा। तो यहाँ पे हमारा पानी उबल रहा है और आज सोचा है लेमन टी बनाने की कोशिश करेंगे। अच्छा, मेरे को उसकी जो स्टेप्स हैं वो उतने याद नहीं है, पर चलो देखते हैं बनता है कि नहीं इस तरह। हमारा ये लेमन टी के लिए तैयार हो चुका है और ये हमारा लेमन, तो अभी इसे इसमें डालेंगे फिर इसके बाद छानेंगे। तो हमारा लेमन टी आ चुका है और अब इसे पीते हैं। बाकी यहाँ पे भी एक कप रखा हुआ है, पहले इसे ख़त्म कर लें क्योंकि मैंने जानबूझ के एक्स्ट्रा बनाया, क्योंकि हेल्दी है तो एक्स्ट्रा चलेगा, कोई दिक्कत की बात तो है नहीं, लेमन ही है, तो पीते हैं। फाइनली पूरी मॉर्निंग हो चुकी है और अब हमारा टाइम हो चुका है एग्ज़ाम देने जाने का, तो देखते हैं क्या होता है आज के एग्ज़ाम में। टाइम तो तैयारी तो हो गई, रात भर कर ही ली तैयारी, अब आगे देखते हैं होता क्या है। यशवंत आ चुका है तो चलो चलते हैं। तो फाइनली हमारा एग्जाम ख़त्म हो चुका है और अब चलते हैं घर, फिर आप कुछ खाते हैं और फिर आराम करते हैं, बाकी अब इंग्लिश का एग्ज़ाम है तो ऐसा कुछ खास है नहीं, तो चलो घर चलते हैं। एग्ज़ाम तो पेपर इजी था, अभी निकलते हैं हम यहाँ से। तो फाइनली घर आ चुका हूँ और माता सुनी आते जरिए यहाँ पे कोफ्ता और एक जो है ये तो कोफ्ता है नॉर्मल फ्राइड वाला और ये ग्रेवी वाला, तो अब इसे खाते हैं क्योंकि भूख लगी हुई है, अब सुबह से कुछ खाया नहीं था, तो बाकी मम्मी कुछ लगी हुई है बनाने में, क्या बना रही हैं, सेवई साबुदाना, अच्छा साबुदाना। तो अभी 5 बजने वाले हैं और यहाँ पे हम सारे आए हुए थे वैभव के घर पे और हमारा यहाँ पे मैगी बन रहा है, इंडक्शन पे मैगी बन रहा है हमारा, और यहाँ पे ये बैठे श्रेय और एक नमूना बैठा हुआ है, आईफोन चला रहा है, शेजवान चटनी दिखाते हुए। ब्रांड प्रमोशन नहीं करना, बताऊँ कितने दिनों बाद खा रहा हूँ मैं, मैंने कोरोना से पहले खाई थी, मैंने कोरोना के बाद भी नहीं खाई। तो मैगी पार्टी तो ख़त्म हो चुकी है और अब यहाँ पे पतंगबाजी चल रही है, यहाँ पे श्रेय पतंग उड़ा रहा है और हम सब पतंग के मज़े ले रहे हैं, और इस सूरज कुंड में मेरठ में जितनी पतंग उड़ती है उससे ज़्यादा पतंग उड़ती ही नहीं है, मतलब सूरज कुंड में ही सबसे ज़्यादा अभी भी पतंग उड़ रही है, और हमारे घर के साइड से तो रेंडम ही बहुत कम ही, ज़्यादा नहीं, इतनी नहीं उड़ती जहाँ है जितनी यहाँ पर जितनी उड़ती है। ये देखो ये हमारे 2 पतंगबाज, एक एक्सपर्ट, एक
एक्स्ट्रा एक्सपर्ट। तो फाइनली घर आ चुका हूँ और अब बारी है कुछ खाने की, घर के खाने की। एक्चुअली वहां पे तो हमने मैगी बना के खाया, वो भी छत पे अपना मतलब इंडक्शन पे बनाया। और देखा ही आप लोगों ने, बाकी पतंगबाजी की, थोड़ी देर क्रिकेट खेला वो भी छोटे से रूम में वो, तो बाकी बहुत कुछ एंजॉय किया क्योंकि एग्जाम तो खत्म ही है, एट लास्ट बचा हुआ एक एग्जाम है। और तो बाकी हमारा खाना आ चुका है जो कि चीनी पूड़ी, तो इसे खाते हैं फिर उसके बाद देखते हैं आगे क्या होता है। तो अब टाइम हो रहा है, कितने बज गए भाई साहब, 11 बजने वाले हैं। और बस नहीं करते हैं आज के लिए, हम इतना ही रखते हैं कुछ आज तो, बस मैथ्स का एग्ज़ाम ख़त्म हो गया, बस वही बड़ी बात है। तो अब कोई नहीं, अब टफ एग्ज़ाम तो कोई है नहीं, इंग्लिश का है वो हो जाएगा, उसके बाद फिर देखते हैं क्या प्लान होता है। तो बस आज के ब्लॉग में इतना ही, अगर आपको ब्लॉग पसंद आए तो ब्लॉग को लाइक करो, जरूर सब्सक्राइब करो, जितना हो सके उतना शेयर करो, क्योंकि शेयर करने से प्यार बढ़ता है। तो कर लिया करो यार, बटन पैसे प्रेस कर दिया करो, ठीक है। तो फिर मिलते हैं किसी नए ब्लॉग में किसी नए कंटेंट के साथ। और हाँ, ब्लॉग को देखने के लिए थैंक यू, जो देखा जो नहीं देखा देख लो यार, देख लो।